सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह की 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। घर पे मैं ही सिर्फ अकेला हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग का काम है। मम्मी पापा और प्रीति जा चुके हैं पुराने वाले घर पे और देखते हैं हम आज के दिन पे क्या क्या काम कर पाते हैं। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। अभी मैं लगा हूँ पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग पे। सुबह 7:15 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड पे लगाई है। अभी 11:15 हो गया है टाइम, अभी तक आधी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है। दिन के 1:30 भी बज गए हैं और लंच का टाइम भी हो गया है। लंच तो मैं बनाया नहीं, लेकिन सुबह का जो भी बचा होगा, रोटी रोटी बची है, उन्हीं को खा लेते हैं। अब आज का मेरा अगला काम है, दीदी का जो फेसबुक पेज था ना, वो भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। उसका क्राइटेरिया भी पूरा हो गया है। तो अगर आप लोग भी फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं तो वहां से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, यह है अगला दिन और आज यहाँ पे तैयारी है जो खोला है उसकी लिपाई करने की। और ये डब्बे पे मैं तेल ले जा रहा हूँ क्योंकि पापा जी जा रहे थे पुराने वाले घर पे और स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो स्कूटी में शायद फ्यूल कम था जिस वजह से स्टार्ट नहीं हुई सही ढंग से। अब देखते हैं फ्यूल डाल के। मैंने पिछली बार की सर्विस में उसका कार्बोरेटर खुलवाया था, लेकिन मुझे लगा कि कार्बोरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन चांसेस ये हैं कि फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम थी। फ्यूल डाल दिया है, स्टार्ट भी हो गई थी उससे पहले, अब फुल कर दी टैंक। तो अब देखते हैं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो दिखाना पड़ेगा उसको। और जो हमारे दादाजी हैं वो भी मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ घर के पास है ना बहुत सारा काम बाकी हो गया है अभी। अब देखते हैं इसको भी निपटाना है। और यहाँ पे तिमले का पेड़ देखिए, कितने सारे तिमले लगे हुए हैं आजकल। इसको अंजीर बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर गोबर और मिट्टी का मिक्सर बना दिया है, अब इससे ही इस पूरे खोले की लिपाई करेंगे। जहाँ जहाँ गैपिंग है वहाँ गोबर मिट्टी से अच्छे से उनको बंद कर देंगे। घर में आया, थोड़ा सा लैपटॉप पे कुछ काम रह गया था वो निपटाया, बाकी प्रीति लोगों ने बाहर देखिए खोले में लिपाई शुरू कर दी है। तो ऐसे होगी लिपाई यहाँ। तेरी वजह से ये फ्रेपान जल गया है। और प्रीति बोली मेरी वजह से वह फ्रेपान जल गया। बल अब ऐसे लिपाई होती है, मतलब पत्थरों पे नहीं करते हैं, बस जो गैपिंग है ना उनको भर देते हैं। और ये सगौर देखो प्रीति का मस्त, और हमारे फ्रेपान के हाल ऐसे हो गए हैं। मैं काम पे लगा हुआ था ना तो मुझे पता ही नहीं चला कि खाना खाने के लिए भी बुला रहे हैं, मतलब नाश्ते के लिए। अब चाय जल गई। ये वाला काम वैसे गेहूं की कटाई से पहले होना था, लेकिन यहाँ पे हम गेहूं तो लाए नहीं, नया खोला है तो कभी भी कर सकते हैं। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में ही यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिपाई के लिए यहीं से मिट्टी निकाल देंगे। क्या से क्या हो गया प्रीति के हाथ देखिए। थंबनेल मिल गया मेरे को। प्रीति की एक बात है, प्रीति हर काम में एक्सपर्ट है, घर के काम भी अच्छे से निपटाती है और पढ़ाई तो फिर कर ही रही है। हमें आज का काम मिल गया है, जो भी यहाँ पे ये बजरी के कट्टे हैं ये यहाँ साइड में रखने हैं। बार बार हमारे साथ ऐसे होता है, हर काम दो दो बार करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिपाई करनी है तो रखने तो पड़ेंगे ही। तो यहाँ पे जो ये खोला है ना पूरा साफ हो गया आगे से, अब थोड़ी बहुत सफाई रह गई है और उस एरिया पे भी लिपाई कर देंगे। और जो कट्टे हैं ना वो हमने इस साइड रख लिए, क्योंकि ये जो बचे हुए कट्टे हैं ना वो इसी साइड यूज होंगे अभी रास्ता बनाने में, गेट बनाने में। ऐसा कुछ सीन है और प्रीति ने बहुत मदद करी। और ऐसे काम करते ना हंसी आती है, जब तो काम हो ही नहीं पाता है। अब प्रीति थकान लग गई, अब क्या चाहिए, अब कुछ खाने पीने। अब माल्टे का जूस चाहिए पीने के लिए। बिल्कुल, ऐसे मौसम में अगर माल्टे का जूस मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। परिमा बिरज शुक्रवार थी, माल्टे का जूस आज पी नहीं सकते क्योंकि आज है फ्राइडे। और अब यहाँ पे तरबूज ही खा लेते हैं। यहाँ पे प्रीति को अपने बचपन की यादें आ रही है। प्रीति बोले तुमने मेरे को बचपन में कैसे दबाया हुआ गाड़ी की सीट के नीचे। पता क्या होता था, मैं दीदी प्रीति हम तीनों साथ में स्कूल से घर जाते थे और 12 बजे ना यहाँ से एक बस जाती है रुद्रप्रयाग के लिए मनसुना से। उसमें ना हम घर जाते थे, 1-2 रुपया तो किराया पड़ता था मनसुना से परवाड़ी तक जाने का। और पता है प्रीति का किराया ना पड़े, हम इसको ना सीट के नीचे लिटा देते थे। पता क्या करते थे, मेरे को हल्की हल्की याद है, मेरे को आ जा रहा ना, मेरे को रोना भी आता है किसी टाइम। पता ये क्या करते थे, मेरे को सीट के नीचे दबा के और मेरे ऊपर से सब जितने भी विद्यार्थी बैठे ना उसमें सबके बस्ते रख देते थे मेरे ऊपर से। और जब तक वहाँ मैं खड़ी होती तब तक मेरा मुंह वहाँ नीला हो रखा हुआ, ऐसे निर्दयी थे। पर उस टाइम पे मतलब हालात वैसे ही थे ना, मतलब विद्यार्थी के लिए 2 रुपए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। एक दो ऐसे थे हमारे साथ ना, वो खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाते थे, पीछे छत पे लटक जाते थे, ऐसे रहते थे। अब प्रीति के लिए ट्यून बजेगी, हो 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 चुप कर यार। पता नहीं अभी मुझे कैसे आई वो याद ना अचानक से।
आज पापा जी गए थे परवाड़ी वाले घर पे गाय को चारा देने के लिए और आ गए हैं यहाँ पे। आज हम लंच यहीं करेंगे नए वाले घर पे। और परवाड़ी से एक चीज तो जरूर आती है, पानी बोतलों पे। दिन के 1:30 बज गए हैं और सामने पहाड़ों से धीरे धीरे बादल आ रहे हैं। आजकल मौसम लगभग हमेशा ऐसा ही है। बाकी जो खोले की लिपाई करी थी वो अच्छे तरीके से कर दी है। दोबारा उसके ऊपर से हल्के से गीले हाथ से उसको प्लेन करना पड़ता है। बाकी अब खोला अच्छा लग रहा है और यहाँ पे काफी खाली खाली सा हो गया है। तो अभी YouTube पे मैंने देखा, मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आ रखे हैं, Instagram पे भी मैसेज आए हुए हैं कि भाई प्रीति की कोई वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहा है। तो जो भी ये काम कर रहा है उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी वीडियो पे कमेंट किया है, बस ये गलती दोबारा मत करना। अगर किसी की वीडियो यूज़ करते हो और वो आपको कॉपीराइट क्लेम में स्ट्राइक देता है तो आपके चैनल पे असर पड़ सकता है। वैसे कल हम दोनों ने सोचा कि एक बार उसको स्ट्राइक दे दें, लेकिन फिर ये सोचा यार बंदे के 3-4 तो सब्सक्राइबर तो हैं कि हमारी वजह से उसका चैनल बंद हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। बस मैंने उनको कमेंट कर दिया, अगर वो हटाते हैं वीडियो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको स्ट्राइक देना ही पड़ेगा। पर अब हम नहीं चाहते ना किसी का चैनल बंद हो। बस वही है ना, हमको पता ना स्टार्टिंग में एक एक सब्सक्राइबर अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। पर वो है कि वो गलत काम गलत तरीके से कर रहे ना, अपना खुद का कंटेंट डालो। अभी तो वो हमारी वीडियो डाल के फेमस हो जाएंगे, लेकिन बाद में कभी वो अपनी वीडियो डालेंगे ना तो व्यूज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। शाम के 4:30 हो रहे हैं और मुझे ना अब जुगाड़ करना पड़ेगा मोटो ब्लॉगिंग में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरा गोप्रो है उस पर ऑडियो तो रिकॉर्ड हो नहीं रही, तो यहाँ पे मैंने अपना ईयरफोन लगा दिया है। फोन पे होगी ऑडियो रिकॉर्ड और गोप्रो पे होगी वीडियो रिकॉर्ड। बाद में एडिटिंग में उनको सिंक्रोनाइज करके देखते हैं, काम बनता है तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे कोई भैया जी आए हैं मिलने के लिए राजस्थान से, और अच्छी बात यह है कि ये हिचाइकिंग करते हैं। अब पहले तो स्वागत है उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना कीमती समय दिया और मिलने का मौका मिला। काफी टाइम से वीडियो देखते हैं लेकिन अच्छा। मिलना नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उत्तराखंड में? आप जैसे केदारनाथ तो आए, मध्मेश्वर का ट्रैक करके भी आए हैं। यही है कि इसीलिए कहा जाता है देवभूमि। वाह, ठीक है, वो आप ना इस शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप यहाँ आके महसूस करो, कर सकते हो। बस यहाँ की हवा और यहाँ का मौसम एनवायरमेंट, वो आइए प्लीज उत्तराखंड विजिट कीजिए। और मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ एक महीने तक और यहीं पर हैं। अभी फुल टाइम ट्रेवलर हैं और तो यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तानी मुसाफिर नाम से। हमको याद हो गया इनके चैनल का नाम। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी ये हिचहाइकिंग करते हैं, जिनको पता नहीं है हिचहाइकिंग क्या होती है उनको बता दूं कि मतलब लिफ्ट लेके ट्रेवल करना, फ्री में ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अभी यहाँ से हम देंगे इनको लिफ्ट, क्योंकि मुझे उकीमठ जाना ही था, इनको भी ओमकारेश्वर मंदिर तक जाना था इनके साथ। अभी बिल्कुल 5-6 किलोमीटर इनको लिफ्ट मिल गई। तो चलिए जी हम निकल पड़े हैं मनसुना से उकीमठ की ओर। होप की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। आजकल तो यहाँ अगर कोई यात्री ऐसे सवारी वाली गाड़ी के भरोसे रहा तो गाड़ियाँ मिलने से रही, क्योंकि सभी लोग यात्रा पे गए हैं। अभी आँख में एक छोटा सा कीड़ा गया, देखिए हाथ पे छोटा सा बिल्कुल तिनका है, अभी जिंदा है, इंसान भी कुछ नहीं है, बस छोटा सा तिनका लग जाए बस। और ये भी अपने व्यूअर हैं, प्रणाम 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 प्रणाम। और बचपन में हम भी ऐसे ही हिसूल के झाड़ पे रहते थे हिसूल खाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं उकीमठ मंदिर मार्ग पे और यहीं पे ओमकारेश्वर मंदिर है। तो जब मैं यहां तक आ गया हूं थोड़ा मंदिर में भी चल लेते हैं। और यहां का माहौल देखिए बिल्कुल शांत सा है, कम ही यात्री लोग यहां पे दर्शन के लिए आए हैं, तो अच्छी बात है, मंदिर में अच्छे से पूजा अर्चना हो जाती है। ऐसे में यहाँ शाम की आरती होती है 7 बजे से और सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है। रात को 8 बजे तक आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के पास में यहाँ पे पंचकेदार लिंग दर्शन भी है, अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। भैया जी की वजह से मुझे भी आज अचानक से दर्शन करने का मौका मिला, ऐसा मतलब छन आ जाता है। थोड़ा अंधेरी आ रही ना, थोड़ा लाइट इस साइड से होगी। आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। केदारनाथ होके आगे या यहीं आए? आप लोग आना सितंबर अक्टूबर में, सबसे बेस्ट। चलो जी यहाँ भी आजकल काफी यात्री लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है भैया जी, मिलते हैं, बाकी शुभ यात्रा आपको। और अभी मुझे जाना है विस्ट ऑटोमोबाइल पे, बाइक का थोड़ा सा आरपीएम बढ़वाना है, वो नॉर्मल स्पीड पे बंद हो रही है। वहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ पापा जी का स्कूटी का कवर और हेलमेट भी बुलाया था तो वो भी ले लूंगा। तो यहाँ पे बाइक के मिरर भी चेंज करवा दिए हैं, परसों सिर्फ राइट साइड का किया था, आज लेफ्ट का भी कर दिया क्योंकि वो अवेलेबल था नहीं उस टाइम। और इस मिरर में और इनमें ना जमीन आसमान का अंतर है, पीछे दिखने में ही अंतर है, एक दूर दूर दिखा रहा है और ये वाले नजदीक दिखा रहे, इन पे ढंग से दिखता भी नहीं है। चलो जी यहाँ के सारे काम हो चुके हैं। ठीक है मिस्त्री जी,
मिलते हैं फिर, ठीक है भाई जी, मिलता था वह। और अब ना दोनों मिरर नए लगे हैं तो पीछे अच्छे से दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनमें स्टेबलाइजेशन काम कर रहा हो जैसे कैमरे में करता है। तो ये कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आदव राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।